टिकट घोषणा के साथ में कांग्रेस प्रत्याशी एक्शन मोड में दिखाई देने लगे हैं। भीलवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की, जिसके बाद में वे पंचमुखी दरबार में देवरिया बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां पर दोनों मंदिरों में उन्होंने जीत की कामना की। इसके बाद में कांग्रेस प्रत्याशी शर्मा ने समर्थकों के साथ में वरिष्ठ नेताओं के आवास पर पहुंचकर के उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की, और इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा ने कहा कि भाजपा की कार्यप्रणाली से हर आमजन परेशान है, और पूर्व सांसद डॉक्टर सीपी जोशी ने जो विकास कार्य करवाए थे उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी। जीतेंगे और कार्यकर्ताओं के दम पे और नेताओं के सहयोग से, और पूरे भीलवाड़ा जिले में जो विकास हुआ उसके नाम पे डॉक्टर सीपी जोशी साहब, अशोक जी गहलोत साहब के पिछली सरकार और इस सरकार के नेतृत्व में जो काम हुए उन कामों को आगे बढ़ाते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप भीलवाड़ा में इतने मुद्दे हैं, सांसद साहब ने कुछ किया ही नहीं है, तो कुछ नहीं किया तो सारे मुद्दे स्टैंड है, चाहे वो चंबल का पानी का बात हो जिले में, चाहे वो रोडों की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज, सारी जितनी भी योजनाएं हैं उन सब। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।